क्या बताऊं, मेरा बेटा शिवा अभी तक वो वापस नहीं आया, ना जाने कहां है। बाबूजी, कहो वो कहाँ गए? खाना तैयार हो गया, चल गया, आप सभी लोग खाना खा लीजिए। और वो नजर नहीं आ रहे। बहू, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ कि हमारा बेटा शिवा अभी तक आया नहीं। उन्हें तो काम ही काम रहता है, खाना कब का बन के तैयार हो गया है, पर अभी तक वो नहीं आए। हाँ बहू, बाबू कुछ देर और इंतजार कर लो, शायद वो आते होंगे। क्यों नहीं, बेटा शिवा। बाबूजी कहाँ पर थे? बाबूजी मैं आपसे इंतजार कर रही है, खाना तैयार हो गया है। बाबूजी कहाँ बेटा? सारी फसल पक गई है, उसकी देखभाल तो करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं? काश अगर जरा भी लापरवाही किया तो जो फसल पक गई है, जो उम्मीद रखा हूँ, वो उम्मीद पे पानी फिर जाएगा। क्यों नहीं बेटा? बेटा शिवा, यानी अपनी सारी फसल जो है वो तैयार है। हाँ हाँ बाबूजी। बेटा सुनो मेरे बेटे, हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे बाबूजी क्या कहना चाहते हो? अब फसल बिल्कुल तैयार हो गई है और कुछ कटके लगी है, अब की बार अच्छी फसल हुई है। क्यों नहीं ऐसा बेटा? लगता है भगवान ने हम गरीबों की फरियाद सुन लिया, अब की बार हो सकता हम कुछ उद्धार हो जाए। बेटा तो मेरे बेटे फसल पक गई, आधा अनाज ठाकुर को दे आइए, आधा अनाज खाने को रख लीजिए, बस इसी बात से बेटा राहत मिले। अगर है बाबूजी। हाँ बेटा। बेटा बाबूजी ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, मेहनत हम कर रहे हैं और ठाकुर तो कोई काम नहीं करता, ना कोई उसका मजदूर आता है, और फिर भी जब फसल तैयार हो किसी तरह से तो वो फसल आधी ठाकुर के यहाँ पहुँचा दे। बेटा शिवा क्या करोगे, ये ठाकुर जो है जितना गल्ला हम लोग पैदा करते हैं उसका आधा ठाकुर बटवा लेता है। लेकिन बाबूजी। कहो बेटा। ठाकुर क्यों बटवा लेता है, उसमें उसका क्या खर्चा लगता है, कौन सी मेहनत लगती है? बेटा बाबूजी वैसे तो हमारी जमीन काफी उसके पास गिरवी पड़ी है और हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, अब बताओ बाबूजी उसमें भी मेहनत करके जो अनाज पैदा करते हैं वो भी ले जाकर आधा उसके यहाँ देंगे और आधा खाने के लिए हो जाएगा, तो बाबूजी ये बताओ कि उसका कर्जा कैसे खत्म होगा और किस तरह राधा की आंखों का इलाज होगा और किस तरह मुन्ना की पढ़ाई होगी। बेटा शिवा, बाबूजी इसी तरह तो हम मजबूर हैं जो कि हमने ठाकुर से कर्जा लिया है। बाबूजी कहो बेटा। सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, कर्ज में सर हमारा दबा जा रहा। गिरवी पड़ी, कर्ज में सर हमारा दबा जा रहा। आज आज
आज घुट घुट कर जीने से मजबूर हूँ। आज घुट घुट के जीने से मजबूर हूँ। सर उठा कर न मुझसे चला जा रहा। हाँ बाबूजी, बाबूजी बेटा जिधर मैं निकलता हूँ तो यही सोचता रहता हूँ कि काश अगर कोई ठाकुर का आदमी मिल जाए, कर्जा ना मांग बैठे, इसलिए सर झुकाकर मुझे चलना पड़ता है। बेटा चलिए बारह में जब ते रिश्ता दिया रुपया मनिया था जमींदार से, बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ। बस इसी बाबूजी। हाँ बेटा, बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ। बेटा बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ। सोच कर मर रहा है मेरा यार, सोच कर बाबूजी। बेटा ये बात तो सही है, इसलिए बाबूजी क्योंकि जो फसल कट के घर में आ गई है उस फसल को हम ठाकुर के यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि जब जाता हूँ ठाकुर के यहाँ तो हमारे अनाज का कोई मोल नहीं करते हैं उनके लिए, वो मिट्टी है मिट्टी के मोल में लेते हैं। लेकिन बेटा क्या करोगे? तो शहर में जाके बेचे ये अपनी फसल, वहाँ पर मुझको वाजिब रकम पाएंगे। माटी के मोल में है ये ले रहे। बेटा शिवा, बाबूजी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जमींदार धनंजय जो है शहर में जाकर हम अपनी फसल बेचेंगे तो वहाँ पर अच्छी कीमत की होगी, अच्छी रकम मिलेगी, और इनके पास ले जाते हैं तो कहते हैं 2 रुपये किलो है तो वही 2 रुपये किलो का दाम लगा कर दे देते हैं। बेटा हम तुम्हारी बात पर सहमत हैं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। जब मैंने तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय के यहाँ से रुपया कर्ज के रूप में लाया था, इसी कारण हम उन्हें आधा अनाज देते हैं। अगर बाबूजी ऐसे ही रहा तो ना तो उनका कर्जा खत्म होगा, ना हम गरीबों का पेट भरेगा, ना हमारे मुन्ना की पढ़ाई होगी, ना हमारी बहन की आंखें ठीक होगी। बाबूजी वो फसल मेरी है। अगर तुम्हारी यही राय है तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन
तो बाबूजी वो है मेरी मेहनत की फसल। बाबूजी। हाँ बेटा। तो बाबूजी वो है मेरी मेहनत की फसल, जिसमें मेरा खून और पसीना जला, जहाँ महंगी बिकेगी मैं बेचूं वही। जहाँ महंगी बिकेगी मैं बेचूं वही, जिसमें ठाकुर से क्या है शिकवा गिला, जहाँ महंगी बिकेगी मैं बेचूं वही। क्यों नहीं बेटा? इसमें बाबूजी ठाकुर से क्या मतलब है? अरे हम चार पैसे ज्यादा पा जाएंगे, उसमें हमारे मुन्ना की पढ़ाई होगी, घर का खर्च होगा, और एक एक पैसा इकट्ठे करेंगे तभी तो हमारी बहन राधा की आंखों का इलाज होगा, उसका ऑपरेशन होगा। हाँ बेटा, ये तो बात है। जमींदार के यहाँ देते रहेंगे तो बताओ हमें क्या बचेगा? हम गरीब के गरीब रहेंगे, और ना मेरा मुन्ना पढ़ पाएगा, ना राधा बहन की आंखों का इलाज होगा। इसलिए बाबूजी हम अपना सारा अनाज शहर बेचने के लिए जाएंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो कीजिए। स्वामी, अगर बाबूजी रोकते हैं तो आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? जैसा वो कहते हैं वही करो, क्यों सहे जा रहे हो? मैं हमारी सबकी भलाई हो वही करो ना। लक्ष्मी, तुम नहीं जानती, अरे तुम समझदार होकर भी एकदम नादान हो रही हो। बाबूजी कहते हैं ये हमारा अनाज शहर नहीं जाएगा, शहर बेचने मत जाओ, ठाकुर नाराज होंगे। इसमें ठाकुर का क्या मतलब? अरे रात दिन खून पसीना हम बहाते हैं, फसल हम तैयार करते हैं, तो ठाकुर क्यों नाराज होंगे? और यहाँ ठाकुर तो हमारे अनाज का कुछ मोल नहीं करते, और वहाँ ना कीमत दे पाते। हमारे वहाँ शहर में जब लोग बेचते हैं तो वहाँ पर उसकी कीमत दूनी होती है। अब आपकी जैसी इच्छा, पर मेरा दिल नहीं मानता। आप जो चाहते हैं वो मेरा मन नहीं करता कि आप करें, फिर भी आपकी इच्छा है तो जैसी इच्छा आपकी। लक्ष्मी, आपके और बाबूजी के ख्याल एकदम मिलते जुलते हैं, जो बाबूजी कहते हैं वही हाँ कर लेती हो, वही मानती हो, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो ना बाबूजी ख्याल करते हैं ना तुम्हें ख्याल आता है कि मैं इतना किस लिए करता हूँ। देखो, हम अपना अनाज शहर बेचने जाएंगे तो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो पहले भोजन कर लो, खाना तैयार है। ठीक है, और फिर कहीं भी जाना हो आपकी मर्जी। लक्ष्मी, चलकर की बोरी बोरी में अनाज भरो, मैं सुबह ही निकल जाऊंगा लेकर। अरे पहले खाना तो खा लो बाबूजी, खाना खा लीजिए आप। बहू, खाना तो मैं खा लूंगा, लेकिन ये बेटा शिवा जो है अपनी बात और अपना जिद ही किया करता है, और तुम तो जानती हो आपकी बात वो नहीं ठाकुर बहुत खतरनाक है। अच्छा बाबू, पहले खाना खा लो, फिर बाद में बात करते हैं। लक्ष्मी, ठीक है बहू। बाबूजी, एक बार प्रयास करके तो देखूं, काश अगर ज्यादा नाराज होंगे ठाकुर तो नहीं ले जाऊंगा, इसलिए चलो खाना खाओ। ठीक है बेटा, चलिए। राहु केतु, चलते हैं गांव की तरफ घूमने। गांव कहती? हाँ गांव कहती, रामपुर गांव कहती चलेंगे घूमने। लाला, हाँ वैसी चला जाए पासिन टोला कहती। पासिन टोला कहती क्या करने चलेंगे? अरे कात पौवा पिएगा मिले नहीं, वैसी कहाँ पिएगा। हाँ भाई, तो चल मेरे साथ, तुझे कितनी पिएगा बोल बोल। बस ज्यादा नहीं, एक आठ बोतल पी ले भाई। एक आठ बोतल? हाँ, एक आठ बोतल पिएगा तो ऊपर जाएगा। नहीं, ऊपर से खा ले आए थे। खाले तो नहीं आएगा। नहीं, आठ। चल फिर चलते हैं रामपुर गांव की तरफ। चलिए देखते हैं वहाँ के किसान
क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ पिंटू खिया जरूर चल गए। और सुन है? कुछ लोगों का अनाज पहुंच चुका है गोदाम में। गोदाम में वो भी ठाकुर साहब से बताना है। ठीक ठीक चलो आओ मेरे साथ। चलिए अब जा रहा हूँ। सुबह सुबह जल्दी अनाज बेचकर पैसे लाकर बाबूजी को दूंगा। पग पायलिया जहाँ कुह के कोयलिया। पग पायलिया जहाँ कुह के कोयलिया। काग पुकारे काम काऊ हो सबसे निराला मोरा गाँव। हे बबुआ सबसे निराला मोरा गाँव। पग पायलिया जहाँ कुह के कोयलिया। काग पुकार काम काऊ हो सबसे निराला मोरा गाँव। हे बबुआ सबसे निराला मोरा गाँव। झूमे आकाश जहाँ मंदिर सवाले। झूमे आकाश जहाँ झूमे आकाश जहाँ मंदिर सवाले। निर्भय संसार जहाँ नहीं है ताले। निर्भय संसार जहाँ सबेरे जहां सांझ सबेरे जहां बजावे बसुरिया। राहु केतु कहाँ भाई? चलो गांव के करीब आ चुके हैं। हाँ। चलते हैं कि कौन किसान क्या करता है। चलो देख ये हम देखते हैं। चलो देख क्या है। आओ मेरे साथ चलो। अरे शिवा बेटे। लाला जी राम राम। राम 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 शिवा बेटे। जय राम जय राम। ये क्या है? रजाइया भरा हुआ जा रहा है। जा रहे हो रजाइया? रजाइया अनाज है, इसे ले जा रहा हूँ बेचने के लिए। शहर में बोरी में है अनाज। बोरी में है अनाज। शहर ले जाने का क्या काम।
लाला जी है? शायद आपको नहीं मालूम, बोरी में अनाज है तो शहर ले जाने के क्या काम है? लाला जी इसका काम ये है कि शहर में महंगा बिके अनाज। अच्छा, शहर में महंगा बिके अनाज, शहर में इसे मैं बेचू आज। हाँ लाला जी, शहर बेचने जाते सभी जब यहाँ न भरता पेट। जमा हो आलू और प्याज, लाला जी हाँ हाँ, जमा हो आलू और प्याज, शहर में बेचू जाके आज। यानी शहर ले जाओगे? लाला जी आप तो जानते हैं यहाँ से शहर में इसका रेट ज्यादा है। सिवा अब मानो मेरी बात, सिवा अब मानो मेरी बात, बेचो यहीं पे तुम अनाज। लाला जी कैसे बात कर रहे हैं? लाला जी हाँ, यहाँ इसकी कीमत कोई नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? हम ठाकुर साहब से हम दिलवाएंगे। लाला जी यहाँ कितने रेट है? और शहर में बेचोगे तो सिवा ठीक नहीं होगा। लाला जी हाँ, यहाँ आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं लाला जी, देखिए हम गरीब हैं और यहाँ पर अगर अनाज देते हैं तो हमारे अनाज का कोई मोल नहीं करवाते हैं आप। क्या भाव गेहूँ चल रहा है? सुना है शहर में 26 रुपए चल रहा है। लाला जी शहर में 26 रुपए चल रहा है? चलो तुम्हारा हम गेहूँ 19 रुपए में लगवा देंगे। नहीं लाला जी नहीं, लाला जी अगर सबका 18 में लेता हूँ, 19 में लगवा दूँ। लाला जी अगर 26 रुपए है आप 25 रुपए लगवा दे तब तो ठीक है, तब तो चलेंगे नहीं हम शहर जाएंगे। एकदम एक बार बोलूंगा बढ़ा चढ़ा के 22 रुपए लूंगा। तो लाला जी ठीक है हम नहीं बेच पाएंगे तो सिवा ठीक नहीं होगा। लाला जी आप मुझे धमकी दे रहे होगा, बड़ा खतरनाक। तो ठीक है लाला, जाओ जो करना कर लेना, मैं शहर जा रहा हूँ बेचने के लिए। जाओ 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 जा, जा। राहु के तू ठाकुर के नंबर बोल बोल फटाफट बोल। 99-36 99-36 तमाम 0-32 साले अभी आधे 99-36 99-34 हेलो हेलो, जय राम ठाकुर साहब। जय राम जय राम। वो शिवा नहीं है? मतलब राम प्रसाद का लड़का? अरे हाँ, तो क्या हुआ? वो शहर अनाज लेके जा रहा है बेचने। हाँ तो बोलो क्या करूं? रोका नहीं था? रोका, समझाया, पर उसने हमारा कहना नहीं माना। देख लाला मेरी बात सुन। हाँ, मैं गंगापुर चौराहे पर बैठा हुआ हूँ। हाँ? वहाँ पुनीत शर्मा मेरे दोस्त आए हुए हैं। हाँ? और प्रमुख जी हैं, कुछ बातें चल रही है। हाँ? वो अब तक बलवंत नगर चौराहे पर पहुँचा होगा। तू अपने लठेतों को बुला ले। हाँ? वो है ना, वो मंगरुआ पासी है और इनको सबको बुला ले। हाँ? उन्हें रोकने की कोशिश कर, तब तक मैं पहुँच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, तत्काल आइएगा जरा। जी हाँ, हाँ, परेशान मत हो, जल्दी आइए। अगर वो लेके चला गया तो कितने ही किसान का
बढ़ जाएंगे। अरे लाला तू परेशान मत हो, उसे समझा बुझा के बहला फुसला के किसी तरीके रोग में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके जयराम, आप पता चलेगा।